चार सदस्यीय प्रभारी पद्धति नहीं होने का अनुभव सामने आया है लोगों की शिकायतें भी बढ़ने लगी थी इसे देखते हुए एक सदस्यीय वार्ड पद्धति चुनाव कराने का निर्णय लिया गया था इसके मुताबिक वार्ड संरचना का, का काम भी अंतिम चरण में था इसी बीच बुधवार को राज्य सरकार ने वर्ष दो में मनपा चुनाव बहु सदस्यीय प्रभाग पद्धति से कराने की घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक में की तीन सदस्यीय प्रभाग रहने के इसके पहले वर्ष दो दो सदस्यीय पद्धति से चुनाव हुए थे राज्य में शिवसेना भाजपा की सरकार रहते हुए वर्ष 2017 में चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव कराए गए वर्ष 2019 में राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी उसके बाद एक सदस्यीय वार्ड पद्धति से मनपा चुनाव कराने का निर्णय लिया गया लेकिन चुनाव के पहले ही निर्णय में बदलाव कर तीन सदस्य प्रभाग पद्धति से चुनाव कराने का निर्णय आज लिया गया बार बार प्रभाग पद्धति में बदलाव होने से लोगों के काम नहीं होते बहुसदस्य प्रभाग पद्धति से पार्षदों की जवाबदारी तय नहीं होती छोटे छोटे कामों के लिए नागरिकों को भटकना पड़ता है सत्ता किसी की भी हो पर बहुत सदस्यीय प्रभाव पद्धति में लोगों के काम नहीं होते इसी वजह से नागरिक एक सदस्य प्रभाव पद्धति के पक्ष में थे वर्ष 2002 में तीन सदस्य प्रभाग पद्धति से चुनाव हुए थे उस दौरान कांग्रेस को सर्वाधिक इक्यावन सीटें मिली थी भाजपा को सैतीस राकपा को नौ शिवसेना को छह बसपा को नौ और बारह निर्दलीय पार्षद चुनकर आए थे मनपा में कांग्रेस राकपा व बसपा की सत्ता बनी थी कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक से बीसी न्यूज नागपुर